मैं उमेश कुमार गेट कीपर दिनांक 24/9/19 को फाटक क्रमांक 498 किलोमीटर 980 के 2527 में दिन ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 16 बजे तक करना था। समय लगभग 15:50 को आप मालगाड़ी से 126 मीटर का रेल अनुसूचित अवस्था में लटक रहा था। तब मैंने गार्ड को लाल झंडी बताया एवं उसकी सूचना स्टेशन मास्टर आमगांव वरिष्ठ अनुभाग अभियंता आमगांव रेल पथ को दिया। वे फाटक क्रमांक 499 एवं 500 के गेट कीपर को स्थिति की जानकारी दी। फलस्वरूप गाड़ी 983 के 15:17 में रुकी तथा गार्ड की उपस्थिति में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता आमगांव के द्वारा उपरोक्त रेल को अनलोड कराकर गाड़ी को आगे रवाना किया गया। मैं चंदन कुमार महतो दिनांक 31/10/2019 को किलोमीटर 955 का 35 से 959 का 17 दारे कसा साले कसा के मध्य चाबीधारी की ड्यूटी में था। सुबह करीब 6:35 पर किलोमीटर 956 का 3234 में गोंदिया झासू गोरा पैसेंजर डाउन पैसेंजर पास होने के बाद किलोमीटर 956 का 3941 में एक लड़के को घायल अवस्था में देखा। वह लड़का शायद झासू गोरा डाउन पैसेंजर में गिरा था। मैं उसे गोद में उठाकर फाटक क्रम संख्या 484 में लाया और 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। 7:45 पर शासकीय अस्पताल साले कसा के लिए लड़का को रवाना किया। दिनांक 12/13/2019 की रात्रि को मैं पुनर पाटले और मेरे साथी कमलेश बारंगे TTM 14 बोरतलाव दरे कसब के मध्य 948-0 से 950-0 के मध्य रात्रिकालीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। लगभग 5:30 बजे सुबह एक मालगाड़ी अपलाइन से जा रही थी जिसमें हम लोगों ने हार्ट एक्सेल देखा तो गार्ड को हम लोगों ने रेड सिग्नल दिखाया। उसके बाद स्टेशन मास्टर को फ़ोन के माध्यम से सूचित किया और हमारे साथी अगले बीच पे जो रहते हैं उन लोगों को भी फ़ोन के माध्यम से सूचित किया क्योंकि गाड़ी दरेक से थ्रू निकल रही थी और वो थ्रू निकल गई वहाँ से। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने अगले स्टेशन को फ़ोन करके सूचित किया और गाड़ी अगले स्टेशन पर को आया। फिर वहाँ गार्ड और पोर्टर के द्वारा गाड़ी को चेक करके हार्ट एक्सेल पाया और उस बोगी को काट के अलग किया गया।